हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? सॉरी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों पर व्यस्त होंगे। मैंने अभी अभी किचन साफ़ करा है, पूरा झाड़ू लगा के, एंड कुछ कपड़े गंदे पड़े हैं उनको वॉशिंग मशीन चला देते हैं, जिससे वो यहाँ पे कुछ कपड़े रखे हुए हैं जिनको तही लगानी है, पर अभी नहीं लगाया गया। बाहर गाने चल रहे हैं, क्योंकि गाने चला लो तो काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। और अभी सुराली आई नहीं है तो बर्तन जो है वो गंदे ही पड़े हैं, एंड कुछ बर्तन में ब्लैक कलर का आपको टब दिख रहा होगा उसमें रखे हैं, तो वो अभी लगाने हैं। तो ब्लॉग की वजह से मैंने गाना बंद कर दिया था, नहीं तो कॉपीराइट आ जाते हैं। तो अभी गाने चलाएंगे, उसके साथ ही ये जो हमारे कुछ बर्तन हैं इन्हें हम लगा देंगे, और जूठे वाले बर्तन वहाँ पर रखे हुए हैं, अभी सुनाने नहीं आएंगे, जब वो आएगी तब धुलेगी आके। वैसे ये बर्तन अभी तो हैं क्योंकि आज कम बर्तन हुए, क्योंकि दोपहर का खाना मौसी ने बना लिया था, हमने बस सुबह ही बनाया था, तो थोड़ी देर बाहर बैठते क्योंकि ना अंदर बहुत गर्म लगता है, तो ऐसे हम थोड़ी देर काम करते तो थोड़ी देर बैठ जाते हैं क्योंकि अकेले हैं, सो सारा काम जल्दी हो जाता है जिससे। तो चेयर उठाते हैं, चलते बाहर बैठते चल के थोड़ी देर। तो टीवी मैंने बंद कर दी है, एंड यहाँ पर सोफ़ा वोफा भी एकदम लग गया है। बाकी मम्मी यहाँ पर नहीं है, वो इस टाइम कानपुर में है, पापा भी वहीं पे हैं क्योंकि मामा की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से वो वहाँ पर एडमिट हैं। तो अंदर और बाहर साफ़ हो गया है, बस अंदर का बेड थोड़ा सही करना है और नीचे का कमरा थोड़ा गंदा पड़ा है उसे साफ़ करना है, तो वो हम कल करेंगे, आज हमने इतना कर लिया बहुत है। एंड जैसा कि हम बता रहे थे कि हाँ मम्मी कानपुर में हैं क्योंकि जो मामा है उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, जिस वजह से उन्हें वहाँ पर एडमिट करा गया है, और अभी वो 2-3 दिन वहीं रुकेंगी। पापा सुबह जाते हैं देखने के लिए एंड शाम तक वापस आ जाते हैं। बाकी नीचे सब लोग हैं, चाहत अभी कोचिंग गया हुआ है, एंड बस सब लोग प्रे करो कि सब कुछ सही हो जाए जल्दी से। तो शाम के टाइम मौसम थोड़ा अच्छा हो जाता है, तो बाहर बैठे तो बहुत ठंडा ठंडा लगता है, सब पंखा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादातर सभी लोग अपनी छत पर आ जाते हैं शाम टाइम। अभी आंटी आई हुई थी बट अभी वो नीचे गई हैं, अंकल जी अपने घर जाते हुए। बाहर यहाँ पर इनकी देख के जा रही है टीवी, और एक अद्याज मैंने नहीं बिछाए, ये पॉट गिर गया, इसको उठा देते हैं। और आज बाहर बहुत मच्छर लग रहे थे जिस वजह से मैं अंदर आ गई थी, आउच गेट लगा। ये इतनी जोर से कौन लाइट मार रहे हैं? अच्छा भैया फोन चला रहे हैं। तो ये चश्मा है मेरा, इसको हम साफ कर लेते हैं, थोड़ा सा गंदा हो रखा है, तो मैं सोचा चलो इसको साफ करते हैं, क्योंकि ना सब गंदा चश्मा आंखों में लगाना तो फिर आंखें में दिक्कत होती है थोड़ी। ऐसा स्प्रे अगर आप लेना चाहें तो शॉप से ले लें, इससे बहुत जल्दी साफ होता है, बहुत क्लीन साफ होता है। तो लेके देखें एंड यूज़ करें, फिर पता है कैसा रिजल्ट रहा था, एंड सच में बहुत मतलब प्यारा है। एंड कुछ कपड़े पड़े हैं तो उसमें उनमें सर्फ एक्सेल डाल देते हैं एंड चला देते हैं वॉशिंग मशीन। बाहर काले बचरे बड़ी चोटों से, हल्की हल्की आवाज़ हो सकता है आपको आ रही हो, क्लीन हो गए एकदम। अब इसको लगा लेते हैं, यस अब ये क्लीन हो, ऐसे ना गंदा लगा रहे थे ना तो सर में ऐसा साइड में थोड़ा पेन होने लगा था, क्योंकि ना नहीं सूट करता है ऐसा गंदा चश्मा, तो मत लगाया करो आप लोग भी, ठीक है? ठीक है, यस बॉक्स रख देते हैं जगह पे। नया फोन पुराने आदमी का। गाइस यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं, पर कम बनाया तो यहाँ पर आ चुका है दूध जो हमने गर्म करा, चाय रोज शाम को चाहती दूध लिखा था, उफ मैंने बंद करने का गैस कम कर दी, तो ये बाहर क्यों आता जा रहा है?
एंड यहाँ पे कुछ बर्तन हैं, इनको हम लगा लेते हैं क्योंकि सुनारी बाहर आ गई है, तो एक जल्दी से लगा के बाहर जो टप है बर्तन वाला उसे खाली कर देते हैं। आ जाओ, तो अभी है सुबह का टाइम और मेरा उल्लू नीचे क्यों गिराया तुमने गंदा बेबी। और सब लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। अरे अभी सुसु गई थी ना इसीलिए हो गई। सही ठीक है, अब चाहिए। तो हम लोग नाश्ता वास्ता करके अब यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये खेल रही हैं। गलत बात है। और यहाँ पर इनकी चल रही है टीवी और मैं देख रही हूँ सीरियल जो मम्मी ने मना किया है। दीदी से बोल दिया नहीं बताएंगी। हाँ, और इन्होंने हमसे बोल दिया नहीं बताओगे, मम्मी जब व्लॉग देखेंगे तब तब तुमको बताएंगे। ठीक है, टीवी चला दी तुमने। चाहते थे अपने कमरे में मूवी देख रहा है, बोला आ तुम यहाँ लेटो, तो मैंने कहा नहीं लेटूंगी, तो मेरा हाथ खींच लिया, फिर हम वो टीवी बंद कर दिए थे और भाग गए। ईशु वो मत निकालो, वो खराब हो जाएंगे, मौसी अभी आ रही डांटेंगे तुमको। टेबल पे जो ऐसा फ्लास्क रखा हुआ है पूरा निकाल रही। आप लदा देना टो, आप लदा देना टो, ये भी लगा दो। ये फ्लोर्स क्यों दौड़ रही हो? अभी रेनू मौसी आके डांटेंगी। ठीक है, हमको डांटेंगे। टोसी दीदी को अभी टोसी दीदी सही कर रही है। अब भाग गई, पागल भाग क्यों रही हो? सॉरी कहो, सॉरी कहो, सॉरी करो। अरे चला ही दो, इसे चला दो, चला दो। दिस वन कैन बी सीन फ्रॉम हियर आल्सो। अब पिज्जा लेके आएंगी, तुमको मिलेगा नहीं। बंद कर दे, ये सोफा सही हो रहा है और ये बाहर धूप निकली। एक जब मैं तुलसी माता पूरी स्कैन दिख रही है, देखो ये कार जा रही है। अभी तक छोटे छोटे आए नहीं, सो रहे हैं। ओके जीजू, तो ये कर रही है, फिर हम देख रहे हैं सीरियल। ये आ गया था। और किसके पास है? सूर्या के पास है। चलो देखो, फिर गुजानवी दीदी आएगी, गुजानवी दीदी मारती है ना। चलो करो, आवाज कम कर लो, देख लो, चला लो, आवाज कम कर दो बस। ये लड़की परेशान मौत करती है। अरे यार बंद हो जा। पूरी फूल करके रख दी इसमें। इतनी ठीक है ना? तो ये रही ये लोग। और मौसा गए मम्मी को लेने लेके हॉस्पिटल। सुमित मामा की तबीयत खराब है तो वही ले देखने का। ये हाल तो उसी दीदी के पास रुके। ज्यादा था ना सोच, हमने ज्यादा था कुछ सो क्यों उठा दिया। अभी किसी को खराब नहीं करेगा इशू, इसको ऊपर रख। इशू अभी लेना नहीं। इशू बोले हेलो, बोले हेलो, हेलो। चाहते थे मारता है।
क्या होगा उस कमरे में, देखे चल के देखते क्या हुआ उस कमरे में, डांट पड़ी कि नहीं, क्यों ही चुका है, चलो 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 चुपचाप आपने झूठ बोल दिया। अच्छा तुमने खराब कर दिया तो हम फिल्चे भी अच्छा हो गंदा मैकरोनी खाने के बाद अभी उन्होंने दोबारा से चालू कर दी है आइसक्रीम खाना। अभी आभ्या की रह गई थी क्योंकि आभ्या को नहीं दी गई थी तो अब आभ्या को भी दे देते हैं। आभ्या सारे ग्लास लेके बैठी हुई हैं। ये कमरा हम दो बार साफ कर चुके हैं पता है तभी ऐसा। हाँ हाँ हमें हॉस्पिटल से आके नहा के अब सीधा खाना खाने लगे और पराठा तो है ही नहीं। हेलो दोस्तों मैं नहा चुकी हूँ और ये मेरी तोसी दीदी पता नहीं क्या वगैरह कर रही है और ये रही ओहो लड़की भी बड़ी पागल जा दादा के पास लेटे गिरे जा रहे लेटे हैं कि एक्सरसाइज कर रहे हैं पता नहीं है। दोस्ती दीदी आप इनमें कुछ नहीं कह सकते सिंपली बैठी इसमें कुछ नहीं करते बर्तन तो अपने यहाँ पे फैले पड़े हैं। दोस्ती दीदी को कुछ दिख ही नहीं रहा है ले जाके बर्तन रख दो सोने थोड़ी काम करो सब ये जा रहे सोने बर्तन रखे पहले हम तब बताते हैं और दन 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 एक बार में बात भी समझ आती है क्या तुम दोनों को लाया है कोई नहीं तुम दोनों में से आया सोने जा रहे हो है तो सी दीदी उठो भैया लाख बनाने के लिए बना हम दोनों का अभी की जानवी दीदी मेरे साथ साल गई है आपको भेज देंगे अभी तो हम लोग का खाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा क्योंकि मैंने इससे कई बार बोला है बट मैं मंगा नहीं पाई तो मैंने सोचा चलो आज मंगा देते हैं इसके लिए इसलिए मैंने मंगा दिया। अब इसे खोलते हैं एंड खाते हैं हम लोग इनके भी ताते टांच में जी भी भूत खाते हैं पागल ये सब गरीब है हमने अपने लिए किसी के पिज्जा अलग से मंगाया वही खा रहे हैं इनसे पूछे कैसे पैसे कितने लिए पैसे वैसे में ऑनलाइन लिए ऑनलाइन देने के लिए फोन भी तो होना चाहिए ऑनलाइन देने के व्यवहार होना चाहिए फोन भी तो गाइस एंड क्या बोलते हैं पिज्जा खाने के बाद हम लोग बढ़िया बात है वो क्या बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक पी जाए तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीने लगे थे फैंटा इतने इसमें झाड़ नहीं इतने आग कर दिया तो अभी है शाम का टाइम और यहाँ पे सब लोग खा रहे थे बताशा यहाँ पे इशू खा रहे हैं खड़े होकर और बताशा बहुत ही ज्यादा बड़ा था। तो इसी के साथ ये व्लॉग यहीं खत्म करते हैं आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय।